नमस्ते। हमारे जो नई सीरीज चालू किया है लैंडस्केप की, वो है रेन सीजन। रेन सीजन मुझे लगता है मैंने 3-4 वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडिंग कर दिया है, और ये रेन सीजन, ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो ऑन द स्पॉट जो भी मैं बोल रहा हूँ वही जगह का ये वीडियो है। वहीं बैठे बैठे मैं वर्क करता हूँ। मेरी हैबिट पहले से है, मैं गार्डन बड़ा था तो गार्डन में जाता था, कमाली यहाँ हूँ तो यहाँ गार्डन में जाता हूँ। तो देखिए लोगों को प्रेजेंट कर देता हूँ, और आपको जिसको इंटरेस्ट है वो कम बाय कम देख लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कम बाय कम ही आएगा। हाँ, वो लोगों का जो मेथड है वो हिसाब से वो डालते हैं। पहले मुझे लगता है ये सीजन चालू हुआ ना होता है तो थोड़े एक दो दिन के बाद मैंने किया है। ये है हमारा ये जिसको कहते हैं ना वाटर पॉन्ड, यहाँ इतनी सिस्टम अच्छी है कि ये जो पानी है ना सब गार्डन में जाते हैं यहाँ से। ऐसा हर एक बिल्डिंग जूट्स हैं, लोगों ने जैसे जब बताया कि 20,000 बिल्डिंग है तो उसके आजू बाजू सब ऐसा गार्डन है, और जो जो बिल्डिंग है तो गार्डन में पानी पूरा करने के लिए ये योजना बना है, वाटर पॉन्ड बना दिया है। और ये पानी आता है जो वेस्ट पानी होता है उसको एकदम क्लियर करके पौधे को लेने लायक बनाकर और सिस्टम यहाँ डाला है, और उसमें से ये पानी यहाँ आता है और यहाँ से गार्डन कर देते हैं। ये नगर योजना टाउनशिप योजना का, टाउनशिप से बड़ा सिटी योजना का है। शहर का अलग अलग बस्ती और एक करके फैला हुआ को अलग अलग जोन में बांटा है। तो इसको आज नया शब्द आया है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मीनिंग यही होता है कि कम से कम 15-20,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट होता है, उसमें रोड, रास्ता, स्कूल, पानी, लाइट सब सुविधा 24 आवर्स तक होता है, सिक्योरिटी, और बिल्डिंग में एक ABCDEF तक का ग्रुप है। हर बिल्डिंग में लोगों ने सिक्योरिटी दिया है, सब जो जो आधुनिक फैसिलिटीज अपडेट होता है उसको स्मार्ट कहते हैं। यहाँ सब तरह की सुरक्षा भी है। ऐसा मैंने यहाँ लोगों को मिल के डिस्कस कर लिया है, क्योंकि मैं मेरे एक हैबिट है कहाँ मैं जाता हूँ पहले से तो इसका हिस्ट्री शॉर्टकट में जान लेता हूँ, और हिस्ट्री जानने के बाद इसका इम्पोर्टेंट है कितना लोगों के जीवन में, और हिसाब से मैं वर्क चालू कर लेता हूँ। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट वर्क करता हूँ हमेशा, और ये प्रोजेक्ट वर्क में मुझे अच्छा लगता है, और मैं सीख गया हूँ उली बाय से डिस्कस करने के बाद ये सब मुझे माइंड में आया। उली बाय लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, जर्मनी से मेरा एक गेस्ट आया था हमारा पेंटिंग लेने, और पेंटिंग की जो
टकाऊ मेथड हैं वो कैसे होनी चाहिए, और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिला है, वहाँ से ज़्यादा सीखना मिला है, समझना मिला है कि क्या क्या मटेरियल हम यूज करें कि पेंटिंग लॉन्ग लाइफ रहे, ये पेंटिंग हो या कैनवस पेंटिंग हो या हैंडमेड पेपर हो या ड्राइंग हो, इसके एक प्रोसेस होता है टिकाव रखने के लिए। जो प्रोसेस नहीं होता तो अजंता एलोरा अभी तक नहीं होती, जिसको 2000 ऊपर से साल स्टार्टिंग हो गया है, हो गया था और अभी भी उसका पावर्स हम देख रहे हैं, आर्ट का पावर देख रहे हैं, और बिल्कुल अर्गिक और अर्गिक है, अर्गिक तो एक अच्छा वर्ड से है इंग्लिश का, पर कुदरत से समर्पित हैं, अंदर जो बना है सब कुदरत की वस्तु से ही बनाया, और समझ सकते हैं कि कुदरत की वस्तु को कुदरत नाश कैसे कर सकते हैं। और पंच तत्वों से हमारा बॉडी बना है, उसका भी नाश नहीं कर सकते हैं, हम मर जाते हैं बाद में, हमारा जो पंच तत्व बॉडी है वो पांच पांच तत्व के बने हुए कुदरत से उसमें चली जाती है, वो वेस्ट नहीं जाती है, वो हवा में हवा चली जाती, पानी में पानी चला जाता है, राख में राख हो जाते हैं, और लोखंड तत्व वाला लोखंड तत्व में चले जाते हैं, ऐसा है, सब हैं मैथोलॉजी, भारतीय मैथोलॉजी में तो है, हमारा पुराण शास्त्र में नोंद है कि पंच तत्व भूत हमारा बॉडी शरीर हो जाता है, तो भगवान ने उसका भी आयोजन करके रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए, उसमें से हम उत्पन्न हुए उसमें से हम जाते हैं। ऐसे हमारे पेंटिंग का जो अजंता की सब रचना है पंचभूत तत्व जैसी ही है, उसका जो जो कलर बना है वो मट्टी में से बना है, स्टोन में से बना है, वनस्पति में से बना है, और उसकी प्रोसेस भी ऐसे ही तत्वों से लिक्विड ऐसे ही तत्वों से बनाया है, और बाद में वॉल पर प्रोसेस किया है, वो प्रोसेस भी इसकी स्टोन की पद्धति से किया गया, स्टोन कैसे मजबूत बनता है, वही स्टोन का पाउडर बनाकर फिर उसमें उसकी चिकनावट का प्रोसेस करके और दीवार पर लगाया है। सालों पहले की बात करूं, मुझे याद है जब मैं बहोड़ा साइड पढ़ता था, वो टाइम की बात है, तब हमारा ये जो प्रोसेस है अजंता का जो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, इसको तैयार करने के लिए गुजरात से, हमारा गुजरात से पद्म से चित्रकार हमारा वासुदेव स्मार्ट जो मेरे घर पे भी आए थे, उसने भी बताया था कि अजंता का जो इनोवेशन किया है वो टाइम पे 75 था, वो टाइम पे उसको ये सब लिया थे जिम्मेदारी, और अजंता का पूरा वर्क उसने किया था, क्योंकि वो ऑल इंडिया हैंडलूम हाउस का चेयरमैन भी रहे थे, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, नाम वाला आर्टिस्ट था, और एकदम ट्रेडिशनल वर्क बहुत किया था। मेरा नसीब है को मैं उसको घर पे लाया था, जब हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हमने बुलाया था तो वो आए थे, और इसके मुँह से ही मैंने सुना था ये सब बातें, तो मैं नसीबदार हूँ कि अजंता की बात सुनकर मैं अजंता से मोहित हो गया था, और बाद में कंटिन्यू हमने वहाँ टूर हर साल निकलता था और जाते थे स्टूडेंट को लेकर, और उसकी स्टडी बारे उसकी प्रेरणा से ही हमको मुझे स्क्रॉल का एक चमत्कार वहाँ से हुआ, एक स्ट्राइक हुआ कि हम एक एक पेंटिंग करते हैं तो वॉल में जो कंटिन्यूटी पैनल बनाया है कंटिन्यूटी, और मैं जितना जानता है उतना कहता हूँ, भूल तो हो सकते हैं,
और सुनने में मिस्टर भी हो सकता है। इसके बाद पहले मैं भी बोला हूँ कि मेरा एक मित्र बड़ा में है हाल, वो मेरे घर पे ये यहाँ आया था लास्ट ईयर, और उसने अजंता के बारे में बहुत सारा पुस्तक लिखा है, उसका नाम भी मैं बोला था। तो ये मुझे विष्णु कुमार सर से भी मुझे बहुत अजंता के बारे में जानने मिला था। और अजंता कौन नहीं जानते, पहली बात ये आर्टिस्ट, रियल आर्टिस्ट होता तो उसको यथाधर्म ही बना देते, जैसे मैंने बनाया था, बनाया था नहीं बनाया है ऑलरेडी, चार धाम यात्रा है मेरा, वहाँ से मुझे सब बहुत कुछ मिला है, अजंता से मिला है। तो इसका टकाव के जो मेथड है वो जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैंने जब स्कूल चालू किया तो हमने भी हमारा पेंटिंग वो मेथड से ही बनाया है और अब बनाते भी हैं। तो टकेगा वो, टिकता है, और ये जो बना रहा हूँ उसका भी मेथड है और टिकेगा। एक तो मेरी हैबिट ये है कि कलर का थप्पेड़ा मैं नहीं लगा था, पहली बात तो अजंता की पोपड़ी निकली और जो देखी कि इतनी एकदम ट्रांसपेरेंट स्किन जैसी है, कलर थप्पेड़ा नहीं है, बिल्कुल थप्पेड़ा नहीं है। तो जो स्किन जैसा उसका लेयर होता है वो टिक जाता है, निकलता नहीं है। यहाँ जो मैं कंटिन्यू लेयर पर लेयर कर रहा हूँ वो ऐसा ही है, क्योंकि लेयर ट्रांसपेरेंस होता है, एकदम लिक्विड वाला लेयर मारो और ट्रांसपेरेंस होता है। लेयर तो सब प्रकार का होता है, लिक्विड वाला बिल्कुल लिक्विड कलर ही मारो तो ट्रांसपेरेंस होता है। तो ऊपर मारो तो उसके डार्कनेस पकड़ लेता है, डेप्थ पकड़ लेता है। मेहनत पड़ती है, एक न एक वस्तु पर देखो आप देखते रहे वो देखो कि मैं एक बार भी मार सकता हूँ, ऐसा नहीं, हर बार राउंड मारता हूँ, हर बार राउंड मारता हूँ, और हल्का हल्का एंड में टचिंग जो मुझे करना है और थोड़ा मैं कम लिक्विड रखता हूँ एंड में, ये गैप एकदम लाना है उसमें। बाकी मैं कंटिन्यूटी 5-6 बार राउंड मारता हूँ, ज़्यादा भी हो जाता है। क्यों ये करता हूँ, ये पेपर कैनवास कुछ भी हो उसको आपको बैंड करना है। तो जो थप्पड़ यानी जिसको कहते हैं वो कौन कहता बोल्ड कलर या जो मोटा वाले कलर मारते हैं उसको हम गुजरात में थप्पड़ा कहते हैं। तो वो तो मैं कॉलेज में तो तभी नहीं करता था, अभी कहाँ से करूँगा। सब तो ऑयल कलर था, कपड़ा रखता था, टर्पेंटाइन और लिंसिड ऑयल मिक्स करके हल्का कलर बना के लगा था और वाइपिंग भी कर लेता था। तो ये मुझे कहीं कॉलेज में ऐसा कोई गाइडलाइन मिला ऐसा नहीं है, पढ़ पढ़ कर पता चला और हमने तैयार किया। सर कहते थे थोड़ी बात करते बारे में बोला जाओ, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो, तो हम जाते थे। और थप्पेड़ा जो है वो नहीं लगाना, नहीं तो क्रैक हो जाएगा, गिर जाएगा, 100-150 साल रहता बाद में नहीं रहता है। और ये जो मेथड है वो रहेगी पेपर में, अंडर रहेगी, मोटा वाला पेपर है, हल्का पेपर नहीं है, टेक्सचर वाला है, तो उसमें वो चला जाएगा, ऊपर वाला नहीं रहेगा। और लगे थप्पेड़ा लगा तो मैं अंगुली मार लेता हूँ, देखा होगा बहुत बार थोड़ी हल्की अंगुली मार लेना, थप्पेड़ा नहीं लगाना। वो मेथड हमारे मिनीचर पेंटिंग में भी है, मिनीचर पेंटिंग में कोई कोई पेंटिंग में जो मोटा वाला कलर लगा वो निकल गया है, अजंता में जो मोटा वाला कोई लगा होगा वो निकल गया है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है। और लेयर हैं एक चमड़ी की तरह चिपक जाता है, कैनवास के साथ, पेपर के साथ, वॉल के साथ। एक मेथड है पेंटिंग करने का, पेंटिंग किया, पेंटिंग करता हूँ, पेंटिंग होगा करो,
कोई चीज़ करने की इच्छा है और आपको करना है तो करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब कहते पहले ये तो तीन चार बात तो खास ध्यान में रखना ही पड़ता है। फर्स्ट बात मटेरियल, पहले फर्स्ट मटेरियल, मटेरियल नहीं देखोगे और जो हाथ में आया इसके पर कर लोगे तो जिम्मेदार आप हैं, नहीं रहा, नहीं टिका, नहीं अच्छा, नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि मटेरियल बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे अच्छा मटेरियल एक कुदरती नेचुरल मटेरियल जो है वो बहुत बहुत सब तरह के मजबूत होता है, क्योंकि वो नेचुरल जो चीज़ें वो सब सहन सहन कर कर के होता है। ट्री हैं तो इसके ऊपर कितना धूप होता है, कितना बारिश होता है, कितनी ठंड होती है, माटी हैं वो कहाँ से बड़े बड़े स्टोनों में से हल्के होके रेती होके रेती में से माटी बन जाती हैं। तो ये जो सब प्रोसेस बुद्धि होती है उसकी, तो इसमें स्ट्रेंथ है, पानी में तो हैं ऑलरेडी स्ट्रेंथ, ये हमारा जीवन बंधारण है। माटी में है स्ट्रेंथ, हमारा अन्न द्वारा आती है हमारे बॉडी में, बिल्कुल भगवान हमको रिफाइंड करके बैठते हैं, जो अभी हम रिफाइंड सीखे, आदिवासी थे तो कहाँ रिफाइंड सीखे। तो एक कुदरती वस्तु तो ऑलरेडी है, उसको आपके पद्धति से यूज करना बहुत ज़रूरी है। मानो एक कलर्स हैं वो भी इंडेक्ट तो नेचुरल ही है, तो केमिकल आकाश टकाना है तो आपको उसका प्रोसेस समझ कर ही काम करना पड़ेगा, तभी हम बहुत कलाकार समझते हैं। बहुत राइटर ने लिखा है तो धुनी है उसके मन में, वो करता है, करो नहीं कौन ना बोलते हैं, करो। इससे स्टडी किया मैं कल, पेंटिंग करते हो तो उसका मीनिंग तो कुछ रहा नहीं, मेहनत किया, इतना मटेरियल यूज किया, इतने सोच समझ के किया है, उसका टिका बना टिका हो ऐसा भी सोचो नहीं, ये जरूरी है। सालों पहले रोनाल्डो ने मोनालिसा किया तो आज 600 साल हुआ, तब अंदर क्रैक हुआ तो इतना तो टिका यार। हमारे अजंता जो बोला नहीं, इसी से पूर्व सेकंड सेंचुरी से उसका काम चालू हुआ था, और दो लगभग 8वीं सदी में से थोड़ा काम 12वीं सदी तक भी चला था। पीछे से जो जैन गुफाएं बनी हैं उसमें थोड़े जो आर्ट वर्क हैं वो एंड में बनी हैं। जैन गुफाएं से इलोरा का एंड वाला चार गुफा हैं, और ये अजंता का समकालीन गुफा हैं। अजंता इलोरा में डिफरेंस दो तीन चीज़ का है। एक तो अजंता जो बनी है वागरो नदी के कटी हुई बड़ी पेखर हैं, वैली हैं, उसके स्टोन कार्विंग करके अजंता का कैव्स बनाया है, बहुत बहुत अद्भुत
कहाँ ये आधुनिक साधन था, सब इंसान ने ही बनाया है। सालों तक वो काम चला है, कोई नहीं लगता कि अलग अलग विचारों या अलग अलग कलाकारों का है, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। और दोनों एक समन्वय वो है जगह का, यहाँ जो बनी है सहारी पहाड़ियों में, वो भी सहारी पहाड़ी हैं और ये भी सहारी पहाड़ी हैं, महाराष्ट्र में है और 70 किलोमीटर ईस्ट साइड वेस्ट साइड है, ये है यहाँ वो जलगांव के पास है और यहाँ औरंगाबाद के पास है, औरंगाबाद से दौलताबाद, दौलताबाद से एलोरा आता है। एलोरा का जो रचना है वो बहुत मस्त है, दोनों की रचना बहुत मस्त है, दोनों का चंद्राकार है, इसका कम है उसका ज़्यादा है, इसका धनुष्याकार मुझे तो लगा था। और स्टार्टिंग है बड गुफाओं से, उस टाइम पर 3 धर्म का प्रभाव था, बौद्ध, जैन, वैष्णव, हिंदू धर्म, मधु आता है शिव ने विष्णु। तो ये जो गुफाएं हैं वो हमको बहुत कह जाती हैं, हमारी कारीगरी, हमारे तत्व ज्ञान, हमारे फिलोसॉफी, हमारा ग्रंथ का सब स्टोरी, हमारे 12 गुफाएं ये हमारा बौद्ध धर्म की है और बौद्ध विहार हैं, स्टैचू हैं, इसके बाद कैलाश टेम्पल आता है जो दुनिया का विश्व का श्रेष्ठ है, इसे कोई बना नहीं, बनेगा नहीं और हुआ भी नहीं, ऐसा कैलाश टेम्पल, इसके सब पढ़ लेना गूगल में लिखा के मज़ा आएगी, ये सब पढ़ना चाहिए कलाकारों को। और वहाँ से विष्णु धर्म चालू भी होता है, शिव धर्म में गुफाएँ हैं, 3-4 गुफाएँ, वो बाद में विष्णु धर्म चालू होता है, वो एंड तक आता है। और बाद में थोड़ा डिस्टेंस में दूर पूर्व दिशा में जाते थे, पूर्व ईशान दिशा में जाते थे, बहुत मस्त हाई क्वालिटी कार्विंग, गुफा कार्विंग, पिलर कॉलम, ऐसा कॉलम, ऐसा पिलर तो आप कहीं देखोगे नहीं, इतना कार्विंग बढ़िया मस्त से काटिंग किया है, जैसे वुडन कटा या मोम कटा ऐसा लगेगा। देखो स्टूडेंट आए मेरे पास, बहुत अच्छी बात हो रही है, देखता हूँ क्या बात करते, बस करते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आते हैं, पप्पा ने कर लीजिए ना, बोलते हैं ड्राइंग में क्या करना, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं नहीं, ड्राइंग में इंटरेस्ट है। हाँ। अच्छा पापा करने देते हैं? हाँ। कौन सी, 4th कक्षा में? फिफ्थ में वो? हाँ। अच्छा तो कहाँ ड्राइंग में ज्वाइन हुए वो, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दिया है? कौन सी स्कूल में वो? गाड़ी। 20 टीचर है? अच्छा तो यहाँ का प्रॉपर बड़े कोई आर्टिस्ट का नाम जानते हो? जानना चाहिए ना, फिफ्थ में वो, तो फिफ्थ में 6 में तो आपको एलिमेंट्री देना पड़ेगा हैं, बाद में इंटरमीडिएट। और आपको एक पता है, दूसरी बात बताऊँ ड्राइंग का खासियत, आपको 40% ड्राइंग है पता है आपको, एजुकेशन में कहाँ है, कहाँ है 40% मार्क आता है सब सब्जेक्ट में जो ड्राइंग रखो तो, लैंग्वेज सिवाय, मैथ्स में, साइंस में है, जो ड्राइंग नहीं रखोगे तो 40% कट जाएगा, इतना समझो, याद है नहीं, पापा समझा, आप पापा है? आप इसे कुछ समझा ना, जो नीचे कल है नाम अलग अलग है, बड़े इधर आ जाओ, ये ड्राइंग तुझे नहीं दिखाना है, ये इसके साथ दिखाना है, एक वो साइड से जाओ ना, एक पीछे से जाओ, इतने यार इतने यार, ले पकड़, ऐसे पकड़, यहाँ टच कर खाली, बाय करो, हेलो इधर पका,
आप सबको यूट्यूब में आना है ना, हाँ। आ जाओगे इसके साथ पेंटिंग से। तो ये था मेरा जिनकी ऊर्जा मिलती है ना, ऐसे बच्चों से ऊर्जा मिलती है। बच्चों का विचार बिल्कुल निर्मल होता है, निर्दोष होता है, उसमें कोई इतना ज़्यादा गड़बड़ मैल में नहीं होता है जो ये निर्दोष भाव से बात करते हैं। उससे हमें बहुत सीखना मिलता है बच्चों से, और बच्चों के साथ तो रहना ही चाहिए। आज भी मेरे घर में यहाँ तो मैं रहता हूँ, वहाँ शाम तक 25-30 बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं। कल भी बोला था मैं कि बड़े भी आते हैं, और ऑनलाइन पे भी मिलता है, मेरा प्रवृत्ति चालू है। सब जो कानों से होता है वो भी चालू है, मुँह से होता है वो भी चालू है, हाथों से होता है वो भी चालू है, आँखों से होता है वो भी चालू। हमारा अवयव का एक जो भगवान ने दिया है वही हिसाब से उसका उपयोग होना चाहिए, तो वही उसकी एक्सरसाइज है बॉडी की। वही एक्सरसाइज देने की कोई आवश्यकता मुझे तो नहीं लगी है। भगवान ने जो हम माप में दिया है वो बराबर है, उसको ज़्यादा हम हरकम करेंगे तो जैसे गाड़ी को ज़्यादा भगाओ इससे उसका जो इंजन है उसको नुकसान होता है, इसे बॉडी को उसका और काम रहेंगे तो बॉडी को नुकसान होता है नेचुरली। तो उसके माप पर सॉफ्ट तेजी से यूज करेंगे तो बॉडी मस्त से काम करती है, कभी नहीं करता ऐसा नहीं। कान भी इतना काम करते हैं, आँख भी इतना। आपने देखा कभी मैं मुझे चश्मा पहना हुआ देखा लैंडस्केप में, बहुत सारा जगह पर मैं मेरा खुद का वीडियो दिखाता काम करता हुआ या बात करता हुआ। आपने देखा है कभी कि मैंने चश्मा पहना है, कि मैं ये वजन लेके घूमता हूँ, उम्र के सब थोड़ा लोड हो गया होता है, थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा मैं बोलता हूँ सुनो थोड़ा, ऐसे सब थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, ओवर नहीं। तो हमारा अभी एक साहस काम करता है, चलो जाने दो बात। अभी देखो मेरी रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ पानी का, और लाइट भी चेंज हो गए, यहाँ इनडायरेक्ट लाइट, वो लाइट नहीं है, बादल हैं, और अभी बारिश यहाँ ये टाइम पे नहीं हुई थी, अब बादल चारों ओर दिखाई देता है। और मैं उसकी ये जो वेल है उसको बना रहा हूँ, पानी में टच करती वो वेल बना रहा हूँ, और इसमें जो हाई टोन वैल्यू होता है उसको टचअप कर रहा हूँ। स्काई का रिफ्लेक्शन हर एक मेरे पेंटिंग में होगा, स्काई रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश के साथ, स्काई रिफ्लेक्शन होता है जो सुबह होता है तो ऑरेंज जैसा हल्का सा, और 10 से 12 के बीच में चमक आ जाते हैं पत्ता का रंग के हिसाब से, उसमें चमक रहते पत्ता का रंग ही चला जाता है, प्रकाश का कलर आ जाता है, और ये कलर मोस्ट ऑफ स्काई के साथ में मिलकर जुलता होता है, चमक होती है। तो अभी ये लाइट दे रहा हूँ सब छोटे बड़े पत्ते के, तो ये एक तरफ का हमारा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे यानी निहारेंगे नहीं बराबर, अवलोकन नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में उसका अंदर रहना भारी है। कल्पना तो बहुत सारी आती है, कल्पना से पर होके वास्तविकता लेना है तो सामने चीज़ को बराबर आपको समझना पड़ेगा। एक बार कॉलेज की मैं बात करूँ तो एक बार मैं सर मुझे समझा रहे थे, मनीष सर, हम उसको मनीष सर कहते थे, कि जी सुब्रमण्य सर, कि देखो जुदा आप बना रहे हो ये गलत नहीं है, और मेरा ड्राइंग एक कलर कोई ऐसा, मुझे कीड़े मकोड़े का बड़ा बड़ा ड्राइंग करने का बहुत शौक था, फुल इम्पीरियल में पेपर लेके
पेंसिल का डोनेशन दे के टैक्स दे के एक छोटे सा जो कीड़ा होता है उसका ड्राइंग कर रहा था। बचपन में कीड़ा ही देखा मैंने बचपन में कीड़ा ही देखा है, गोबर में देखा है, मिट्टी में देखा है, जो ट्री का जड़ होता है इसमें तो बहुत कीड़े होते हैं, तालाब सूखता था बहुत कीड़े होते हैं, ये सब कीड़े का स्टडी बहुत करता, आर्ट में लेकर डिटेल देखता था। तब देखने का शौक था, ऐसा नहीं कि मैं उसको बनाऊंगा, वो नहीं था, बस इसकी जो ब्यूटी होती है तो उसे मार के देखने की। और आप नहीं मानोगे, बिच्छू भी हम हाथ में लेते, बिच्छू बहुत मज़ा आती थी। और हम तो बिच्छू पकड़ने भी जाते थे, मैं 6 साल का लगभग 5-6-7 साल का था, तो मेरे साथ मैं छोटा भाई रहता था, मेरे कजिन रहते थे, हम सब हमारी गिर के टेकरिया पर मकान था, वहाँ से पीछे वाले भाग में बारिश आते आते ही दूसरे दिन हम निकल पड़ते थे, जैसे पत्थर ऊँचा कर एकदम ब्राउन लाइट ब्राउन ऑरेंज कलर का बिच्छू निकलते थे, एक छोटा बिच्छू एक बड़ा बिच्छू भी से छोटा छोटे उसका बाल बच्चे निकलते थे, तो वो देख के बहुत मज़ा आते थे। हम धागा रखते थे, धागा का आटी लगा के जगह रख के धीरे से उसकी पूछ के अंदर से पूछ पूछी होती है टाइट एकदम, जो लग गए तो बात खत्म हम धीरे से लेके उसके पूछ में डाल के खींच लेते थे तो बन जा रहे, फिर ऊँचा करके देखते थे, कहा देखो देखो कैसा है, एक कैसे तड़पन मार रहा है, कैसा उसका पूछ का जो डंस देते ना वो मार रहे हैं, और इसका टेक्सचर, इसके डिजाइन, इसका कलर, बहुत मज़ा आती थी। और टाइम पे तो इतना ड्राइंग सेंस नहीं था, स्केच सेंस नहीं था कि हम इसको पेंट कर ले, और माइंड में मेमोरी हो गया, जैसे कंप्यूटर हमारा माइंड में मेमोरी भरता है, गूगल में हमारा मेमोरी कार्ड हम भरते हैं, इस भगवान ने माइंड में मेमोरी कार्ड डाल दिया पहले से जैसे जिसकी मेमोरी ऐसे उसका कार्ड। देखो ना मेरा 70 ईयर्स पहले का मैं बात कर रहा हूँ, मुझे याद आया तो मेरी मेमोरी ओपन हो गई और मैंने डिटेल भी आपको कहने लगा। बिच्छू का सांप पाओ तो बहुत मज़ा आती, कैसे पता हमारा जो मकान था ना गवर्नमेंट का पंचायत की ओर से मिला था, गवर्नमेंट का पॉलिस लाइन थी, उसके दो रो था 6-6 मकानों का, खाली अगर छोटा सा जो कहते खुला था, अंदर जाते एक लॉबी जैसा था और अंदर जाते रूम थी, तो 10x10 की रूम ऐसा मकान था, और खिड़की पैक के अंदर दरवाज़ा पैक था, तो वो दिया था मेरी माँ को, कि मेरी माँ को इसलिए दिया था कि हम पापा वापा गए तो मेरे पास कुछ नहीं था, नहीं मकान नहीं, जमीन नहीं, खेती नहीं, बाड़ी मजदूरी करते थे माँ, तो पंचायत प्रमुख था नारायण बरीचा, बहुत दिलदार, बहुत मस्त, मुझो बड़ी बड़ी रखते थे, एकदम आनंदी इंसान था। जब वो बाहर से आते थे उसकी जीप थी, हम देखने जाते थे, दौड़ के पादर में खेलते थे, जाते थे मिलने, जैसे नान मामा आया करके खड़े रहते थे, तो हमको पेपर में देते थे, टाइम का जो पेपर में होता है लॉलीपॉप जैसा है वो बोला देते थे, बहुत मज़ा आती थी। और एक दिलदार था, और मेरा मामा था उसका एक फ्रेंड था, हमारा मामा मरते समय उसको कहते गए कि भाई मेरी बहन का ध्यान रखना, और जब छोटे छोटे होते तब से उसने संभाला था, पापा ऑफ हो गए तो हम रहने का घर कुछ नहीं था, हम रहते थे एक हमारा कुम्हार था उसके मटका रखने के रूम थी, ऊपर खुली थी आधी आधी पैक थी, ऐसे रूम में टेम पड़ी वहाँ रहते थे, जो बाद में मामा ने बोला है बा को, और बोला कि मकान चाहिए बहन, बा बोले हाँ, तो पुलिस लाइन में उनको दे दिया, खाली पड़ा था वो मकान। तब ये सब मुझे बहुत
मैं अमेरिका था, बहुत याद आते हैं, बहुत बोली। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं था, गरीब पैसादारी वो कोई सेंस नहीं था, मोटा मानस है ये मम्मी कहता था, बा ऐसे कहते मोटा, बहुत मोटा मानस है, बहुत धनवान है, ऐसे बाँ बोलते थे। तो हम तो खेलते ही रहते थे, तो बचपन की याद आई है कहते कहते, तालाब देखा तो ज़्यादा याद आ जाए। और ऐसे जब जगह पर बैठता तो मुझे पूरी मेमोरी ओपन हो जाती है। मैं सांप की बात कर रहा था, वो मकान जो था वो पत्थर का बनाया हुआ था, और ऊपर जो था वो नड़िया में कहिए, नड़िया जैसी विदेशी नड़िया के चाचा था, में ये ना खेला था। तो वो जो था उसके नीचे जब जगह रहती थी, और बहुत पुराना हो गया था तो सांप भी आकर उसमें रहते, स्पैरो हैं चकली उसमें घोंसला बनाते थे, वो घोंसला में सांप अंडा खाने के लिए ऊपर जाते थे। तो ये हमको पता ही थे, घूमते रहते थे कि वो जो घोंसला है उसमें सांप हुआ है, क्योंकि घोंसला छोटा होता है तो पूछ बाहर लगती थी, हम लोग उसको खींचते थे। सांप कभी नहीं खींचा, खींचा इतना करो खींचा खींचेगा नहीं, एक बार अंदर गया वो नहीं निकलेगा, हैरान होता है, छोड़ देते, बाद में बाहर निकलता है, बाहर निकल के वो तो देख लेते थे। वो हमसे डरते हैं हमेशा, कोई भी चीज़ देखो, सिंह लायन लेके, वाघ लेके, कोई भी जानवर इंसान से डरता है, कहता है कि उसकी आँख की रचना उल्टी होती है, इंसान को उल्टा देखता है, इसके कहते पता नहीं होता तो वाइल्ड लाइफ वाला जाने। वो निकलता था तो हम निकल के राह लेके बैठते थे दूर, जैसा निकला तो हम पीछे दौड़ते थे, पुष्प करके वहाँ से दूर घा कर देते थे। तो वो जो हमारी हिम्मत थी वो नेचुरल थी, डर जैसी चीज़ नहीं थी हमको, जब माँ को पता था अंदर ये बना रहा हूँ और ये कलर पकड़ के बना रहा हूँ, देखा ये आ गया ना, ऊपर गया, ऊपर गया, क्या देख रहे बेटा, ये करो नी, इसकी क्रैक करो नी, क्लोजअप, अरे बहुत बढ़िया बनेगा, खाली यहाँ से सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक करो, बस ये ट्री करो, करो ड्राइंग करो, कलर ड्राइंग आप क्या ले रहे हो भाई, वीडियोग्राफर को कहते हैं, क्या लेते हैं, अपने भरत पटनी का नाम सुना, भरत पटनी का नाम वो प्रिंसिपल था, आर्टिस्ट है, टेन कॉलेज का प्रिंसिपल था। अच्छा, मेरा खास है, मैंने उसका पेंटिंग खरीदा था, वो बनना पड़ता है, मन में उसका चित्र पूरा अंदर खड़ा करना पड़ता है, वैसा ही बनना पड़ता है। मानो गद्दा आपने देखा तो आपका सोच, आपका विचार, आपका देखने का मेमोरी जो ऑब्जर्वेशन, और सब गधे जैसे हो जाना चाहिए, तब आप गधा बना सकोगे। मैं समझ गया सर की बात, क्योंकि मैं वो जंतु जो हाथ में लेकर ऑब्जर्वेशन करता था, तब तो ये ड्राइंग का मुहावरा नहीं था, पर देखता था, मज़ा आती थी उसका, सब कलर्स टेक्सचर देखने का वो भी नहीं था कि इसको एक कलर ऐसा था टेक्स, बस एकदम कुदरती, बहुत मज़ा आती थी। तो वो मैं बना रहा था, तब सर ने मुझे बोला, तो अभी ये लैंडस्केप बना रहा हूँ तो मुझे उसकी मैं बनना पड़ता है, पानी बना था तो पानी याद आ जाता है, छोटे जो घास बना तो घास याद आ जाते हैं, सब मेरी मेमोरी में है, ओपन खुलती है मेरी मेमोरी, तब मैं ये करता हूँ। तो अभी समय हो रहा है, शायद दे रहे हैं, पर बात तो चालू रहेगी,
काम भी चालू है, हाथों से काम करता हूँ, मुँह से बोलता हूँ, आँखों से देखता हूँ, सब अवयव का प्रमाण से उपयोग करता हूँ और करना चाहिए कलाकारों को। कलाकारों को कहते धोनी होते हैं, कलाकार पागल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कलाकार ईश्वर का सेकंड स्वरूप कहते हैं। कलाकार दर्शन शास्त्र का अधिकारी है। मेरा ब्रश गिर गया था इसलिए आपको डिस्टर्ब हुआ है, ऐसा लगा मुझे। तो कलाकार दर्शन शास्त्र का अधिकारी है। कलाकार मैं तो मानता हूँ सबसे ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, तो किसी ने जो मन से निकाला वो पर जो ज्ञान लेते हैं। खुद को कहाँ से ज्ञान लेना वो नहीं समझते हैं, वो पुस्तक में घुस जाते हैं या किसी के सुनकर आगे बात करता है। ओरिजिनलिटी नहीं होती उसमें। तो कलाकारों में, राइटर में, ड्रामा में, संगीत में, नृत्य में, पेंटिंग में, नवजापक की कला है, नव प्रकार की कला है। ऐसी कला तो 84 प्रकार के 84,000 की कला है। इसमें क्राफ्ट आ जाता है, सब आ जाते हैं, खान पीन भोजन भोजन सब आ जाते हैं कला में। वो कला सबसे हाई है, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड आर्किटेक्ट, स्थापत्य कला। ये तीन कला से मानव का जीवन खुशनुमा होता है। जैसे पास अच्छा घर है, घर को सुशोभन करने के लिए बहुत अच्छी कला है, और इसमें चोरी चीजर की कला समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अच्छा पॉट है कि अच्छा वॉल पीस है कैसा कह के घर में लगा देते हैं। वो तीन का महत्व से जीवन बनता है। घर आर्किटेक्ट से बनता है, सुशोभन कलाओं से बनता है, और स्थापत्य खुद बिल्डिंग होता है। ये सब में जो का विजुलाइजेशन आर्ट की ओर जाता है, जो दिखता है होता है, इसके पर जाता है। संगीत हमको एकदम मन की शांति देता है, कानों से सुनना, मुंह से गाते हैं, और है संगीत गायन। संगीत वाद्य होता है, उसको कहते हैं संगीत। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप सब सारी कला का समझना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए, हो सके तो। एंड करते हैं, पहली बात है बचपन से करते हैं, इसके बाद तो मैं बहुत बात है जो आगे से क्यों नहीं करते। अभी सुबह हो गया है, मैं 4:30 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और रोड पर वाहन का आवाज़ आता है, आप सुनते होंगे। तो अभी मेरा थोड़ा बाकी है, तो सब मेरे दर्शकों, फॉलोवर्स, मित्र, मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके इतनी कला का प्रचार करो, हो सके इतना कला की सेवा करो, तो समाज सुदृढ़ बनता है, समाज मजबूत बनता है। जो जिसके इसमें खास जो रिटायर शब्द वापस जो उसको खास मैं कहता हूँ कि रिटायर मत रहो, बंसुरी बजाओ, कुछ नहीं जो गाड़ी में जाके बैठे रहे मधुर आवाज़ से बंसुरी। हमारे एक फ्रेंड हैं यहाँ, जब मैं जाता हूँ उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाए, अच्छी बंसुरी बजाता है और सिखाता भी है। तो बंसुरी बजाओ, सुबह में भजन गाओ, कुछ एक्टिविटीज करो। तो बच्चे लोग मेरे पास से बहुत सारा प्रेरणा लेते हैं, करते हैं, और मुझे तो अप्लाई करोगे, जब मिलोगे ना तब मैं छोड़ूंगा नहीं। वो आप जानते हो, मैं गुजराती में आखा बोला कि आखा बोला जो है वो मुंह पर कर देना होता है, मुंह पे कह देना होता है, बुरा लगेगा मुझे जानते हो, उसको तो बुरा नहीं लगता। तो
जो मुझे सुनने की सहन शक्ति आप में है तो मत करो, तो आपको सुनना ही नहीं है और मुझे प्रेम से मिलना है तो करो। और आप ये सब जानते हो, मुझे पता है, नहीं जानते ऐसी बात नहीं है, तो आपकी फ़र्ज है कि लोगों तक पहुंचाओ, आपका फ्रेंड लोगों को बच्चों को तक पहुंचाओ, संदेश दो। और आप भी देखो, और मेरे लर्निंग आर्टिस्ट जो हैं घर बैठे बहन लोग काम करते हैं उसके लिए तो बहुत एक वरदान रूप बनेगा। स्लो रख के देखो, मैं कलर रख रहा हूँ, देखो अभी बतख बना रहा हूँ, मुझे एंड आ गया है, मुझे सब्सक्राइब करो और वीडियो एंड तक देखो तो ही मज़ा आएगी। टाइम लेके देखो, थोड़ा टाइम निकालो, देखो बहुत कुछ आप परिवार के लिए करते हो, लोगों के लिए करते होंगे, आप कभी सोचा कि आपके लिए आप क्या कर रहे हो? वो सोचा, वो भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वो कब याद आएगा, 55, 50, 60 साल के बाद जब घर में बैठ जाओगे, पोतों पोते को साथ खेलोगे, कितना खेलोगे, अकेला पड़ जाओगे तब आपको याद आएगा मैंने कुछ किया होता तो। और आपके आपको जो बेटा बेटी उसका बच्चों को कुछ सिखाना है तो, और कहते हैं गुजरात में कि ऐसे नवरू मगर नखो द्वार है, यानी माइंड होता है शैतान का घर है, फ्री बैठा है शैतानी आ जाती है, यानी इसलिए सासू बहू का झगड़ा ज़्यादा होता है ना। और उम्र लायक होकर बाहर बैठ के नज़रिया बिगाड़ते हैं। वो भी हमने देखा है, ऐसा समय ना आए। और देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब तो करो, सब पे एक बार होता है, हर बार नहीं होता, बाद में लिंक मिल गया तो देखने की कोशिश करो, गप्पे लगाते हो जहाँ तक समय निकाल, तो इससे अच्छा है ऐसा जो आपके सामने में ला के खड़ा कर देता हूँ, तो समाज को अवेयरनेस लाओ आर्ट का, आर्ट का अवेयरनेस लोगों में आएगा तो आपको बेकारी नहीं रहेगी, लोग आपको काम देंगे, आर्टिस्ट के लिए खास है अवेयरनेस जगाना हमारा काम है, हम अवेयरनेस नहीं जगाएंगे तो हमारा आर्ट को कौन देखेगा, आर्ट समझाना, आर्ट सिखाना, आर्ट की बात करना, आर्ट का डिस्कस करना, तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। मैं यही करता हूँ, यहाँ बैठा बैठा आपने देखा ना कितने सारे बच्चे आ गए थे, पूरी पूरी स्कूल आती हैं वैकेशन के टाइम पर, अभी तो वैकेशन खुलने आया है, चक्कर लगाते हैं ऐसे समय पर, ऐसे जगह ऐसा ही एक गार्डन अच्छा है तो यहाँ लोग देखने आते हैं, ऐसे में आउटबेस और वहाँ भी लोग देखते हैं। अवेयरनेस आप नहीं लगोगे, बहुत सारे कहते हो 50-60 साल के तो हमने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा वर्क करते हो आर्टिस्ट को, उनको ये मेरा दोस्त नहीं है, नहीं तो आप लोगों का दोष है, आर्टिस्ट तो बाहर काम कहीं कहीं करते होंगे, अलग अलग प्रकार के करते हैं करने वाले, और नहीं देखा तो इसमें मैं क्या करूँ। ऐसे मैं कह देता हूँ, आपको धन्यवाद, मुझे देखा, मैं से बात किया, ऐसे भी कह देता हूँ। और देखो भी मेरा पूरा जमेला हो सके इतना वास्तविकता लाने के, 3D लाने का कोशिश किया है, जो वास्तविक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वास्तविक राइटिंग होना चाहिए, शब्द खुद का होना चाहिए, वास्तविक पेंटिंग होना चाहिए, वास्तविक काल्पनिक करो तो करो, वास्तविक स्टडी बिना काल्पनिक का पावर नहीं आता है, कल्पना पावर करना है तो आपको वास्तविक स्टडी करना ही पड़ेगा। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ ना, हर काम का स्टडी कर रहा हूँ अलग अलग, मैं यूनिक वर्क करने का मेरा है, एक जगह का मैं अलग अलग ढंग से बहुत सारा वर्क करता हूँ, मेरा वर्क यूनिक हो जाता है, तो यूनिक वर्क में मज़ा आते हैं। जब हम स्क्रॉल बनाते हैं तो वो सब जो पढ़ पढ़ कर बनाते हैं तो हमारी जो एक स्टाइल है उसमें पूरा मीटर ना मीटर हो जाता है, यूनिक वर्क होता है, यूनिक वर्क लोगों को भी देखने में मज़ा आता है। झिकझक वर्क में तो करने वाला करता है पता नहीं कैसे मजा आती है वो, और उसकी कला जो देखने आती है उसके साथ डिस्कस करते होंगे तो उसको पता होगा। और यूनिक वर्क में क्या है, अजंता आइटम बने वो भी यूनिक वर्क है, इसने तो 12
सौ साल से ज़्यादा काम हुआ तो भी यूँ नहीं पाते। अब मेरा पूरा हो गया है और छोटी बटा कमर सब एक तारा में है, एक दूसरा तारा भी बहुत सुंदर है, वो एक टाइम थोड़ा दूर हैं जाकर बनाऊंगा। और इसका पहले भी बनाया है तो यहाँ तालाब हैं अलग अलग, वो अलग अलग तालाब में बनाता हूँ। अभी आप सुन रहे हो मुझे, अभी मैं शायद रिजल्ट इनकी तैयारी है कंप्लीट लिख रहा हूँ, ब्रश ब्रश डिस्कस भी कोई आए तो कर रहा हूँ, डिस्कस तो मैं करता हूँ, कोई आए समझाता हूँ, बातचीत होता है, मज़ा आता है इसमें कहने का। उसका क्वेश्चन का जवाब तो मैं देता हूँ, भागता नहीं, जवाब देता हूँ और सेटिस्फाई ऐसा जवाब देता हूँ, ये नहीं जानते ऐसा नहीं कभी कहा हूँ, तो जानने की कोशिश मेरे साथ करता है तो मैं इसको, क्योंकि आप नहीं जानते ऐसा तो नहीं कह सकता, रिस्पेक्ट से उसके साथ बात करना पड़ता है तभी मज़ा आती है। तो ये अभी बस एंड हो गया, तो आप मुझे सबका श्योर करना। फिर से मैं कहता हूँ, मेरा नाम है भानु दूरदास, तो मेरे चैनल का नाम ही मेरा नाम ही रखूँ दूसरा क्या क्यों रखूँगा भानु डू धात DUDHAT और पेंटिंग में कभी